दोस्तों हमारा जा रहा है सामान, घर वाले पीछे हैं, टाइम है इस वक्त लगभग 5 बज। बदले सुबह से चारे ने डाला। अगु तू तो एग्जॉस्ट हो गया भाई, उठ जा अगु। अगु बेटा जी रहने दो, चलो चलो कह रहा रही इसका मसा बेड में हिला सुबह से। चलो हम चलते हैं। अगु अगु बच्चा आजा खुश। ये यहाँ पे तो रहेंगे नीचे मम्मी पुरू और पलक, अब हम चलते हैं अपने वाले में। कुछ वाइब आ रही है? वाइब ही वाइब है, वाइब है, वाइब है, गोवा वाइब्स। दोस्तों हमने अपने कपड़े वगैरह रख लिए हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिजॉर्ट जो हमारे एरिया के हमने बुक किए हैं सूट। सबसे पहले तो इस एरिया का ये पूल है, टोटली इस प्रॉपर्टी में लगभग 3 पूल हैं अलग अलग एरियाज के, तो शॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ ये आगे सारे सूट्स। अब हमें एक नीचे मिला, एक ऊपर मिला, कल कह रहे हैं आपको आमने सामने दे देंगे। हमें एक कुआँ भी मिला, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा सूट है ये, मम्मी ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद था यार। काफ़ी डिसेंट प्रॉपर्टी है और मतलब अच्छी है, इतना हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। किचन भी दिया इन्होंने, थोड़ी आज कुछ बना लेना, गैस नहीं है लेकिन केटल वगैरह है। उसके बाद ये हमारा पूरा लगेज, ये एरिया जो है दिस इज़ नॉट द बेडरूम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेडरूम है ये, स्विमिंग पूल फेसिंग है और काफ़ी डिसेंट है। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें 2 रूम्स मिल जाएंगे, अदरवाइज हम एक ही सूट बुक करते हैं, हमने 2 सूट बुक किए हैं। तो दोस्तों लेट मी गिव यू द व्यू ऑफ बाथरूम, स्टीम बाथ भी है और काफ़ी डिसेंट है। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली टू गोवा। अगर आपको कंटेंट ज़रा सा भी अच्छा लगा, इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब कर लो, तब आप तो सिर्फ एक बटन दबाओगे और मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। महकम है कोई भी नहीं। तो दोस्तों दिस इज आवर सेकंड सूट, ये जो प्रॉपर्टी है उस वाली से बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन नाइस है। यहाँ पे मैंने एक ही दिन का रखा, अगले दिन मैं चेंज कर दूंगा। तो इसका भी जो फ्रंट व्यू है काफ़ी अच्छा है। ये रहा, सामने आपको दिख रहा होगा पूल, लगेज अपना सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये आ गया वॉशरूम, ठीक है, ये वॉशरूम है हमारा, डिसेंट है, उस वाली प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है लेकिन डिसेंट है। बेसिक एमिनिटीज इन्होंने रखी हुई हैं। और उसके बाद आ गया दिस इज आर किचन, ये सामान इन्होंने रखा है लेकिन इट इज़ चार्जेबल, ठीक है। ये आ गया किचन हमारा, यार इतनी उम्मीद नहीं थी। कहीं ना मुझे बाली की याद आ गई, जब हम बाली गए थे ना। और थर्ड वाइज ओके फीडिंग टाइम, अगस्त्या क्या खा रहे हो आप? अगस्त्या देख रहा है कालू मदारी और उसकी मदर उसको कर रही है फीड, ही मस्ट बी एंजॉइंग फीड इन गोवा। तो यहाँ से अब आपको मैं दिखाऊंगा इसके 2 व्यू हैं, जो बैक व्यू है वो है यहाँ की मार्केट, ठीक है, और जो फ्रंट वाला व्यू है ना वो मैंने आपको दिखा दिया पूल का। इससे से दो एसी हैं, अच्छा एक यहाँ पे भी एसी है, वहाँ पे भी एसी है और वाईफाई भी अलग है यार। कनेक्ट कर दिया तो वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है। आपको इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी रील्स मिल रही होंगी, फॉलो कर लेना पीयूष अनऑफिशियल। हम चलेंगे पूल में और आपको एक बात मैं बता लेता हूँ, जो कारण था ना इस प्रॉपर्टी को बुक करने का सेंटाना बीच रिजॉर्ट को, वो ये था कि यार यहाँ पे हमें एक्सेस मिलता है कैंडोलम बीच का, मतलब हमारे पूल से ही रास्ता है बीच का। तो वो बड़ा एक्साइटेड होने वाला है हमारे लिए कि हमारे रिजॉर्ट का एक अपना ही बीच है। देखो यार रिजॉर्ट बुक कराने का ये फ़ायदा होगा कि अगस्त्य आराम से रोम कर सकता है जिस तरह घर में करता था,
अदरवाइज यू नो कि अगर रूम होता तो बच्चे के साथ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बर्थडे बॉय, अरे ये तो बिल्कुल मजे में आ गए इधर। अबू मजा आ रहा है? अबू बेटे मजा आ रहा है? अरे भाई क्या चाहिए? तो दोस्तों कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब बेबी के साथ आप आ रहे हो तो आपको ऐसे विजुअल्स देखने ही पड़ेंगे। विजुअल्स को दिखाने वाले तो अभी विजुअल ऐसे हैं कि अगस्त हैज डन द पॉटी, तो पूप हो गया और दरवाजे बंद कर दो, स्मेल भी आ रही है। शुक्र है ये स्पेस बड़ी है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता यार। लेकिन बच्चे के साथ, हम भी जब छोटे थे तो हमें भी यार घर वालों ने लिया था और ये सब किया होगा। नाउ इट्स आवर टाइम। तो अगस्त्य बेटा ठीक है अब रिफ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ बेटा जी। सुबह से बंद अबू पॉटी कर दी भाई, पापा जी मुझे आई थी एक्साइटेड हो गए, स्मेली है। दोस्तों ऐसे ही चलता है भाई, शॉवर लेने जा रहे हैं। They all are enjoying in the pool. आते ही शुरू हो गए हैं, पूल देखा नहीं, बस रूम में चेंज किया और बोलते पहले तो भाई पूल में जाएंगे उसके बाद बाकी काम करेंगे। अब देखो मम्मी अब भी पलक हेयर पूरू एंड ये इंजॉय पूल के बाहर एंजॉय कर रहा है बॉल के पास। एक मिनट अगो 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 आप बुलाते रहो, उसको बॉल चाहिए। अगस्त्या बेटा नो। तो देखो दोस्तों अभी हम आज फर्स्ट डे है, इनफैक्ट आज फर्स्ट इवनिंग है, तो अगस्त्या पूल को कैसे एंजॉय कर रहा है। अभी बच्चों का पूल भी है लेकिन अब पुरु इसको ले आया बीच में, तो ये तो फुल ऑन एक्साइटेड हो चुका है। साक्षी आप ही आ जाओ। तो दोस्तों हम करने गए थे स्विमिंग और उसके बाद हमने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ली, मतलब नींद ली। गोवा में हमें बिल्कुल घर का स्वाद आ रहा है, स्वाद मीन्स घर की तरह हम ठहरे हुए हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। खाना, गुड़िया, पुरु और मम्मी आराम से बैठ के यहाँ पे अपना सीटिंग रखी है और बिल्कुल देसी हिसाब से खा पी रहे हैं भाई। गर्मी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एसी हमने बंद किया हुआ है, तो खाना हम खाएंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा तो मार्केट चलेंगे, क्योंकि और मार्केट बीच बड़ा कुछ है, फर्स्ट डे है, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है क्या पुरु? बोलिए खाने से फ्री नहीं हो पा रहे हैं यार। आ गया? ओ भाई शुक्र है, जल्दी से ले आ भाई, भाई पकड़ा दे वो। तो दोस्तों साक्षी ने भी गाड़ी चलाना सीख लिया है। साक्षी ध्यान से, स्पीड लिमिट का यहाँ पे। तो गोवा में साक्षी ने गाड़ी चलाना सीख ली, देखो कैसे कंट्रोल कर रही है। गुड 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 गुड। अगू देख लो मम्मी को कार आ गई भाई। क्या कर रहा है यार अगू, यार तू भी खा। अगू ये आप नहीं खा पाओगे बेटा, अभी आप इसके लिए बड़े छोटे हो। कोल्ड ड्रिंक ले आना यार। तो दोस्तों जल्दबाजी में मैं कैमरा घर ही भूल गया। अब हमने मार्केट काफ़ी चेकआउट की और ना थकान सी हो गई, अब हम करेंगे डिनर। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा नोवा, अब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। साक्षी मम्मी सब अंदर चले गए, इन्होंने ना काफ़ी शॉपिंग की है, काफ़ी सारी ऐसी दुकानें हैं। अब आगे भी मार्केट काफ़ी ऐसी अच्छी है यार, बाली वाली वाइब है। जा तू लगा। यहाँ पे तो हुक्का वगैरह भी है। अभी कुछ ऑर्डर थोड़ी किया। अगू ठीक है? फैन नहीं है यहाँ पे? फैन साक्षी यहाँ आ जाओ ना फैन के नीचे। तो ऑर्डर करते हैं कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि हमने ऑर्डर करके उधर रिजॉर्ट में खा लिया था। टाइम इस वक्त हो रहा है 12:15 और हमारे साथ क्या हो चुका है भाई। बेडिंग कहाँ गई? मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। उस वाले साइड का एसी चलना बंद हो गया, तो हमने कॉल की रूम सर्विस को, अब वो हमें कह रहे हैं दूसरा रूम देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है सारा सामान यह है, तो बच्चे को कहाँ पे ले जाएंगे। तो व्हाट वी डिड, हमने उन्हें कॉल की, सूट में दो रूम थे और एसी भी दो थे, तो रूम सर्विस भाई हमने अब यहाँ पे दूसरा बेड लगवा दिया, अब यहाँ पे ही लेटेंगे और कल जाके मैं मैनेजर से करूँगा बात। यार सूट के आपने पैसे लिए हैं, लेकिन अब टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन फिर भी हमने तो पे किया। तो दोस्तों
रात को 12:15 पे हम रूम सर्विस को बुला के बेडिंग करें और अबू एजिटेट हो गया। बस हो गया। तो दोस्तों बस मॉर्निंग।